नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दंगल कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं महम चौबीसी में। जी हां, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि लगातार पूरे प्रदेश के हर गांव में हम पहुंच रहे हैं, हर हल्के में हम पहुंच रहे हैं, और वहाँ की समस्याओं के बारे में भी बात कर रहे हैं कि कितनी समस्याएँ कहाँ पर बनी हुई हैं, किस स्तर की समस्याएँ हैं, किसने उस पर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो क्यों ध्यान नहीं दिया, जनता कितनी जागरूक है और ग्रामीण कितनी अपनी परेशानियों को लेकर सजग नज़र आ रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। महम चौबीसी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। यहां पर भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, कुछ यहां पर प्रत्याशी हैं जो परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षदी का लड़ रहे हैं और सरपंच का लड़ रहे हैं। साथ ही साथ आम जनता भी यहां पर मौजूद है, जिसमें युवा वर्ग भी है, कुछ बुज़ुर्ग भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों से हम जानेंगे कि यहां क्या कुछ समस्याएँ हैं जो बनी हुई हैं, और साथ ही अपने प्रत्याशी से क्या कुछ उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपसे, आपका नाम क्या है? उपेंद्र। उपेंद्र, इस जगह के बारे में आप थोड़ा हमें बता दीजिए, हमारे दर्शक भी जान जाएं कि इस जगह में कितने क्या गांव आते हैं, अगर आपको पता हो तो। साथ ही यहां की समस्याओं के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अलकामा में 42 गाँव आते हैं। 42 गाँव आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ भी पिछली सरकार ने ऐसा कुछ आन सिंधांगी ने कुछ ऐसा नहीं करवा जिसे ये कहा जाए। थोड़ा थोड़ा जोर से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आनंद सिंह दांगी ने हमारे हल्के में ऐसा कुछ नहीं करवाया जिसे ये कहा जाए कि यहाँ कुछ करवा था। या पूर्व किसकी बात कर, विधायक की बात? हाँ, पूर्व विधायक की। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने इतने ज़्यादा विकास कार्य नहीं कराए यहाँ, ठीक है। मैं आपका नाम जानता हूँ, आपका नाम क्या? नरेश है जी, मेरा नाम। ठीक है नरेश जी, ये जो जगह है जहाँ पर हम अभी बैठे हैं और इसके आस पास जितने भी गाँव आते हैं, उन गाँव के बारे में आप हमें बताएंगे कि कितनी सारी सुविधाएँ यहाँ पर मिली हुई हैं, कितने विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, और विकास कार्य नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, मतलब जो मूलभूत सुविधाएँ जो यहाँ पर आवश्यकताएँ रहती आम जनता की, कि सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, सही तरह से शिक्षा होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ। शिक्षा का तो निजीकरण कर रखा है ना इन्होंने, पिछली सरकार ने 9 साल में जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता दी है, JVT के जितने भी संस्थान खोले हैं, पैसे लेकर शिक्षा दी गई। ठीक है, ये शिक्षा की बात हो गई। बिजली सड़क पानी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या हालात हैं? तो आप देख आए होंगे, ठीक है, सड़क तो इतनी बेकार नहीं लगी, सड़क फिर भी थोड़ी बहुत ठीक लगी। तो नेशनल हाईवे है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा बिजली के बारे में बता दीजिए। बिजली जो पिछली सरकार दे रही थी यही वही सरकार दे रही। ठीक है, आप कुछ बताना चाहेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में? बिजली सड़क एक बात हो, ये इसमें बिजली जो आ रही है, अब जो नए मीटर लगाए हैं उन्होंने, पहले से ज़्यादा 3 गुना बिल आ रहे हैं अब। ठीक है, इस सरकार में ये काम हुआ है। ठीक है, अब मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई बात करें तो यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं सही से आपको लगता है, मतलब काम हुआ है गांव में? काम हुए भी हैं और ना भी हुए। कौन से काम नहीं हुए हैं भाई? अरे तो एक तो नौकरियां की भूख थी वह मिली ना। अच्छा। और भाई पानी बिजली का भी टोटा रहे है ये मिले ना। और बताओ, और के पूछोगे? घंटे में अगर बात करें ग्वालियर, मतलब अगर इस जगह की बात करें गाँव में, कितने घंटे बिजली आपको मिल जाती है यहाँ पर? वैसे रात ने भी कट मारे हैं, माथर खाइंदा है छोटा ने। चलिए ठीक है, अब आप मेरे को थोड़ा सा ये बता दीजिए, गांव में आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं जो चाहते हैं कि अभी तक सही नहीं हुई है? गांव में हमारे जो मेन समस्या जी, हमारे जो पंडितों वाली गली है जी, वो कम से कम भी 15-20 साल से बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी है। कितनी आबादी कितनी होगी आपके गाँव की? हमारे गाँव की 5,000। ठीक है, 5,000 वोट हैं जी। तो उस गली में आज तक किसी सरपंच ने अपनी नज़र उठा के देखा, आप चल कर देखो तो उसमें कम से कम 1-2 फुट पानी खड़ा हुआ है, मच्छर बैठे हुए हैं, गंदगी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। और जो पिछले सरपंच, आज तक गांव में लगभग हमारे 8-9 सरपंच बने हैं अभी तक, उनमें से 1-2 सरपंच को छोड़ कर बाकी सरपंच MLA या MP के साथ बिक जाते हैं, सेट हो जाते हैं, वहीं अपने पैसे लेन देन कर लेते हैं। और रही बात सेट होना तो ठीक है, अभी सरकार के साथ चल के कुछ विकास करो गाँव का, लेकिन बिकने बाद सिर्फ अपने बच्चों को लगवा देते नौकरी। आज तक किसी सरपंच ने हमारे गांव में किसी और लड़के को नौकरी लुआ नहीं। आप कौन से गांव से हैं? खरखड़ा से हैं। खरखड़ा से, जो खरखड़ा के लिए बता रहे हैं इतनी दिक्कतें हैं, ये सही है? इतनी दिक्कतें ही हैं भाई, बात यह है बिजली बिजली भी सामान्य लोग कुछ बिल नहीं भरते ना, बन की वजह से भाई गंभीर से अरुण देखा तो पूरी भी कर रहे हैं, रात ने एक आधा कट मार रहे ना तो रही रहे, रात ने तो 2 घंटे दिन में भी रहे, फिर बिल भी लोग कम भर रहे थे। तो बिल क्यों नहीं भरते हैं आप लोग? दे रहा ना क्यों ना भरते, क्योंकि तो सरकार के कर दे हैं, माफ़ कर दिए, न्यू कर दिए, सरकार वाले भी ना भरन दें दे।
चलिए ठीक है, आप पहले बता दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा और उन लोगों से बिल बिल क्यों नहीं भरते हैं? बिल भर देंगे लोग जी, बिल इसने नहीं भर रहे लोग। पहले उड्डा सरकार थी कह रही थी हमने इतने बिजली बिल माफ कर दिए, पिछ कर्जे माफ कर दिए, कुछ माफ हुआ नहीं, वैसे उसको बढ़ा के दे रहे हैं लोग। इसलिए ना अगर लोग कुछ उसमें माफी करेंगे तो सभी लोग भर देंगे। आप किस गाँव से हैं? खरकड़ा से जी। खरकड़ा से ही है। खरकड़ा की बात की जा रही है तो वहाँ पर युवाओं को, बच्चों को रोजगार वगैरह मिल रहा है कुछ? ना जी। अच्छा, आप लोगों ने मांग की इस बारे में कभी? मांग करी जी बार बार, दो योजना दो मन हो गए मेरी गाड़ में गोड खांसा वो है बरना खड़े, कोई से नहीं कोई सुनाई नहीं करी। मतलब दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है आपकी? सुन नहीं रहा। ठीक है, आप कहाँ से हैं? गाँव जाए। मैं आपके गांव में जानना चाहता हूँ, आपके गांव में क्या दिक्कत है? एक्चुअली मैं महम के आसपास के जितने गांव हैं सबके बारे में बातचीत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पता चल जाएगा। आप जाइम से हैं? दोनों एक ही गांव से हैं। तो क्या कुछ दिक्कत है आप दोनों ही मिलकर बता दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली और पेयजल की और गंदे पानी निकासी की, ये सबसे बड़ी समस्या है। 24 घंटे में से सिर्फ मुश्किल से 8 घंटे लाइट आती है और पेयजल का अपना बिल भरते हैं और पानी पीते हैं, पेयजल की कोई सुविधा नहीं है और गंदे पानी निकासी की सुविधा नहीं है, वो गंदा पानी भरा रहता है, इस वजह से डेंगू मलेरिया फैलता है। सिर्फ यही दिक्कतें हैं और भी कोई दिक्कत है? नहीं, और भी दिक्कत हैं कुछ शिक्षा की है, जैसे स्कूल में नियमित टीचर नहीं है आ रहे, और ये साइंस साइड है कॉमर्स साइड है इसकी भी कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, ये खेतों का जो निकासी का पानी निकलता है उसकी कोई नाले की सुविधा नहीं है, और बच्चों के लिए कोई स्टेडियम वगैरह की सुविधा नहीं है, उसमें कोई नियमित रूप से कोच की सुविधा नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है, ये मेन मेन चीज़ है, और गली वगैरह में कीचड़ वगैरह ये तो सब ठीक है। वैसे आप तो काफ़ी युवा लग रहे हैं दोनों लोग, और युवा शक्ति परिवर्तन की एक सूचक रहती है, परिवर्तन युवाओं की वजह से ही होता है, तो आप लोगों ने कभी बात नहीं करके देखी पार्षद से या फिर अपने यहाँ के सरपंच से कि भैया क्यों नहीं काम करा रहे हो आप लोग? हमने कोशिश तो की लेकिन जितनी कोशिश की उसमें सफल नहीं हो पाए। तो फिर कितनी कोशिश चाहिए होगी आपको क्या लगता है? कोशिश काफ़ी कोशिश चाहिए, वैसे नाले की सुविधा लेकिन उसमें घास रहती है बहुत सारी, तो इस वजह से पानी नहीं निकल पाता, और लाइट की तो आपने पता है लाइट के तो ये नहीं कर पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि आप लोग बता सकें। सरपंच और पार्षद तो लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जैसे स्कूल में टीचर कम है, और टीचर कुछ हैं वो पढ़ाते हैं लेकिन एजुकेशन का जो हमारा स्तर है वो काफ़ी गिर चुका है, बच्चे 100 में से 90 नंबर ले आते हैं लेकिन उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कैसे लाते हैं, नकल मार के? पता नहीं, मैं बता दीजिए खुलकर बोल दीजिए। हाँ, नकल मार के लाते हैं। चलिए, यानी धीरे धीरे सच्चाई तो निकल कर सामने आ रही है। आपका नाम? यहाँ पर जो ये तमाम समस्या बता रहे हैं कई लोग हमारे साथ खरकड़ा से जुड़े हैं, और उनका ये कहना था एक दिक्कत नहीं, दो दिक्कत नहीं, कई दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों पर आप लोगों की तरफ से क्या ध्यान नहीं गया? निश्चित तौर पर आप जनता से तो जुड़े होंगे, ग्रामीणों से जुड़े होंगे, तो उन समस्याओं के बारे में आपने क्या सोचा अभी तक? भाई, आने वाले समय में तो पीछे तो जा लिया, उसको तो वापस नहीं ला सकते, और जो आने वाले समय में है पानी वाली समस्या सबसे ज़्यादा पीने के पानी की, और गाँव में पानी निकासी की समस्या उससे भी ज़्यादा है, गाँव के चारों तरफ पानी भरा है, हर गली में ज़्यादा पानी हो जाता है, निकालने की उचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और भी मैं आपके पास भी आऊँगा और कई मुद्दों पर बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर पहले थोड़ी जनता के बारे में भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी, आप कहाँ से? मैं नंदाणा से हूँ जी। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 9 किलोमीटर पड़ता है जी। और कितनी आबादी होगी वहाँ? आबादी 24 का काफ़ी बड़ा गाँव है, वो बड़े गाँव में से, और आबादी उसकी 17-18 हज़ार के लगभग आबादी। और जब हरियाणा बना, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस 24 केंद्र एक परंपरा थी आज़ाद चुनने की, और आज़ाद उम्मीदवार चुना गया था मेरे गांव से प्रोफेसर महासिंह, जो शिक्षा मंत्री बने थे। काफ़ी बड़ा गांव है, हर गांव के अंदर समस्याएं होती हैं लेकिन आशावान है, अभी हमें आशा जगी है। ठीक है, इस बारे में और भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? बसंत जी। कहाँ से हैं आप? खरकड़ा से। खरकड़ा से। खरकड़ा की सारी समस्याएं यहां पर हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर युवा वर्ग खरकड़ा से ज़्यादा है। आप कहां से हैं? खरकड़ा से जी। आप भी खरकड़ा से? अजायब से। ठीक है, अजायब से। तो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि युवाओं को लेकर और खासकर खेल नीति को लेकर आपके खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपके गांव में कोई व्यवस्था की गई? नहीं जी, कुछ नहीं की गई। कोई व्यवस्था नहीं है जी, नहीं तो कोच है, नहीं खेल के ग्राउंड है, नहीं ट्रैक बना रहे हैं, नहीं कोई मिट्टी है, सारा दिन पानी भरा रहता है वहीं पर, कुछ नहीं, सुविधा नहीं है जी। मतलब कोई भी सहूलियत नहीं दी गई कि पूरा प्रदेश खेल के लिए आगे बढ़ रहा है, हर कहीं से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकल रहे हैं, आपके यहाँ कुछ नहीं हुआ?
कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी, नहीं तो कोई MLA, नहीं कोई सरपंच, कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरपंच के पास जाते हैं तो रुपये से मना कर देते हैं सीधे, मौजूदा सरपंच हाँ रुपये से मना कर देते हैं। और क्या कहते हैं आपसे? कई बार हम गए भी हैं जी तो मना कर देते हैं कि अभी बजट नहीं आया है, कोई ग्रांट नहीं आ रही है उसे, उसके बारे में सारी दिक्कत है। आप कहाँ से? बैनी बरो। अच्छा, तो आप एक अलग गाँव से, आपके गाँव में कुछ बताएंगे आप हमें कि कितनी दिक्कतें हैं? हमारे गाँव में लाइट की, पीने के पानी की दिक्कत है, बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है। हाँ, और तो सारा नॉर्मल है। हाँ, तो इस बारे में कुछ कदम उठाए गए? हाँ, कदम तो प्रयास तो रखे हैं, बिजली की कोशिश करें वो रात नहीं प्रयास रखे हैं, लेकिन वो प्रयास सफल होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं कि एक आशावादी किरण जो निकल कर आती है कि हाँ ठीक है प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सही दिशा में, और ऐसा लग रहा है एकदम तो कुछ हो ना नहीं, बात सही से आराम तो सारा काम हो जाए। चलिए, आप इंतजार। आपका नाम? दीपक। कहाँ से आप? बड़ा बैंड। अच्छा, तो आपके गाँव में क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? सरपंच या फिर जो वहाँ पर पार्षद आते हैं क्या किसी तरह के काम उन्होंने कराए? कुछ काम नहीं करवाए जी उन्होंने तो, अब कुछ काम नहीं करवाए फिर भी आपको हंसी आ रही है। आप जरा बताइए, खुल के बताइए क्या दिक्कतें हैं? हर प्रकार की दिक्कत है जी, ना तो खेलने के लिए युवाओं के लिए स्टेडियम है वगैरह कुछ नहीं है जी हमारे गाँव में, ना ट्रैक ना और कमी कुछ थी। हाँ, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आई हैं और कई लोगों की, अभी हमने शुरुआत में ये बात जानना चाहिए कि कितनी परेशानी कितने लोगों को यहाँ पर आ रही है और उनके लिए क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए गए थे। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात कि उन्हें उम्मीदें क्या थी, कई लोग बोल रहे हैं कि वक्त लगता है और हमें उम्मीद है काम हो जाएगा और किसी का कहना है कि काम नहीं हो पाएगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रत्याशी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि उनके मन में क्या प्लानिंग चल रही है और क्या सोच के उन्होंने एक प्लानिंग बनाई है कि विकास आगे होगा और उनका गांव तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। डेंगू ने मारा हरियाणा को डंग, नेताओं की नींद हुई भंग। विज ने कहा दिल्ली है कारण, बेदी ने कहा अधिकारियों की लापरवाही। देखिए बचाव जरूरी है, बयानबाजी नहीं। शाम 6 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दंगल कुर्सी का में और इस वक्त हम मौजूद हैं महम 24 में, कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुनी कि यहाँ के कई गांव हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। अब ज़रा हम जान लेते हैं कि उन परेशानियों को दूर करने के लिए जो यहां लोग मौजूद हैं और जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है, क्या कुछ उनकी सोच है। कितने गाँव आते हैं आपके वार्ड में? 8 गाँव। तो 8 गाँव के बारे में कितनी परेशानियों से आप रूबरू हैं, कितनी परेशानियों को आप जानते हैं कि हाँ इतनी परेशानी आपके 8 गाँव में और आपने सोच रखा है कि 8 गाँव की परेशानियों को दूर करना है, क्या मुख्य मुद्दे हैं? एक तो स्टेडियम नहीं है युवा बड़का का, ना पीने का पानी, ना जोड़ा में गंदा पानी इतना है जो गाँव का सारा गंदा जोड़ा में आवा है, इसकी निकासी नहीं हो पाए भैया। यही है तीन यहाँ जो बात की जाती है समस्याओं की। पहले आपका नाम जान लें। मेरा नाम डॉक्टर सोमवीर आर्य है। खरकड़ा के ज़्यादातर लोग हमारे साथ मौजूद थे, युवा वर्ग भी हैं और कई बुज़ुर्ग भी हैं जो खरकड़ा से मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा समस्या तो मेरे को वहीं की सुनाई दी खरकड़ा के बारे में। तो खरकड़ा के बारे में अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इस बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी होगी क्योंकि काफ़ी समय से आप जनता को वहाँ जानते होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, क्या कारण रहे? पहली बात तो ये कि गाँव खरकड़ा राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है काफ़ी दिनों से। किस वजह से? राजनीतिक उपेक्षा के मायने क्या है? मायने ये कि हमारे गांव का जब तक जैसे MLA नहीं उठा था, अब की बार हमारे गांव के MLA ने, गांव के आदमी ने चुनाव लड़ा MLA का, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा, बाई चांस हम हार गए तीनों चुनाव, तो उस कारण भी किसी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरा मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ, मैं सोशल वर्कर रहा हूँ पूरे महम 24 का और पिछले काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा आज़ादी के 68 सालों के बाद भी जिस गांव में पीने का पानी साफ नहीं है तो सरकार किस विकास का दावा करती है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। मैंने खुद जाके अपने स्तर पे TDS चेक करवाया पूरे गांव का, 642 TDS मैक्सिमम है और 382 TDS मिनिमम है हमारे गांव का। तो इस TDS में लीवर की प्रॉब्लम होगी होगी, पथरी लोगों को होगी होगी, स्किन प्रॉब्लम लोगों को होगी होगी और आँतों की प्रॉब्लम लोगों को होगी होगी, पेट की अल्सर होगा ही होगा इतने TDS से, मैंने डॉक्टरों से चेक करवाया।
तो आज़ादी की 68 सालों के बाद भी जो भी सरकार रही, जितनी भी सरकारें रहीं, मैं किसी एक सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, तो सारी सरकारों ने पीने का पानी तक जो मुहैया नहीं करवा पाई, मैं मानता हूँ ये विफलता है सरकारों की। बात ऐसे है जी, जो भाई ये कह रहे हैं कि अपनी समझ है, धरती के ऊपर काम हो रहे हैं, आसमान पर नहीं हो रहे। मेरे आनंद सिंह दांगी से व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा टाइम वो ही था जो कांग्रेस का था, और 10 साल के अंदर गांव में विकास भी हुआ, इसी बात नहीं, और धरती के ऊपर हो रहा, जाके देख सको। और उसका मैं एम रोल एमएलए का भी रहा है, एमपी का भी रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सा बताइए, हाँ थोड़ा सा बताइए कि कितने काम हुए। बताऊंगा मैं, स्कूल की नई बिल्डिंग बन लग रही है, उसी टाइम की जो हाई स्कूल है अपना, बूस्टर दो बूस्टर लग रहे हैं अपने पानी के, जितना डिग्गी का मैं जो ऊपर डिग्गी की मरम्मत जो सारा काम चार दीवारी उसकी सब, हाँ पानी वाली जो भाई सोमवीर कर रही बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई भी सरकार आई, पानी की तरफ ध्यान कम गया है। और रही बात, आज गांव की 80% गली बिल्कुल नई बनी खड़ी है, वो चाहे आज इस सरपंच के टाइम में चाहे पछले के में। और मैं ये समझूँ जो भी गांव में सरपंच आया है उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, अगर गांव में कोई ना कोई फायदा हो। बिल्कुल प्रयास किया है, मैं पहले भी कहा कि सभी सरपंचों ने, जब जमीन नहीं है, जब जमीन खत्म हुई है, नया पशु अस्पताल बनया, और मेरे टाइम में कह लो चाहिए, मैं कांग्रेस के टाइम में था उस जगह पर सरपंच, पशुओं का नया अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर और आयुर्वेदिक अस्पताल, ये गांव में बने हुए हैं। जी मेरा नाम नरेश कुमार नेहरा है, गांव निंदाणा से हूँ जी। मैं गाँव में समस्याएं तो काफ़ी हैं, जो समस्याएं अभी पिछली सरकारें 50 साल से कांग्रेस सरकार तकरीबन रही है सेंटर में हरियाणा में, कोई नीयत और नीति उनकी अच्छी नहीं थी, कोई भी प्लान से काम नहीं किया, पैसा काफ़ी खर्च किया उन्होंने, हर गांव में विकास तो हुआ मगर प्लान से कोई विकास, प्लान से कोई भी काम नहीं हुआ। जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि भाई प्लान नहीं बना, प्लान सारा सरकार के ऊपर नहीं थोपा जाना चाहिए, चाहे आज की और चाहे पछली हो, उसमें सरपंच का भी पूरा योगदान हो प्लान बनाने का, भाई उसका एस्टिमेट देने का, जेई दिया ओ, हम हमारी जितनी भी पंचायत हैं उन्हें जेई मिला है, एसडीओ भी हो रहा है, पूरा पॉलिटेक्निक विभाग हो है, उसके में उसका खाका तैयार करना, उसका एस्टिमेट देना, उसकी प्लान बनाना, वो पंचायत का भी काम। आपका नाम अजय, और आप कौन से क्षेत्र से हैं? खरकड़ा। खरकड़ा से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं सर। ठीक है, तो मैं आपके क्षेत्र की अगर बात करूं, खरकड़ा की बात करूं, काफ़ी सारे विकास कार्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि किए गए हैं, लेकिन जो शिक्षित वाली बात होती है, जैसा कि कहा जा रहा है आपके जो पूर्व सरपंच है वो ये कह रहे हैं कि सरपंच को वहाँ पर सामाजिक होना चाहिए, आजकल काफ़ी ज़्यादा शराब भी बांटी जा रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें आम जनता की भी कमी है, क्योंकि आम जनता में जागरूकता नहीं है? अगर आम जनता शराब के उसमें अगर अपना वोट नहीं भेजे तो शायद और अच्छा काम हो सके, ऐसा कुछ? बिल्कुल आम जनता की कमी है, जो शराब पी रहा है अपनी मर्जी से पी रहा है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं पिला रहा। और रही जो विकास कार्यों की, गाँव में कोई विकास कार्य नहीं है, गाँव में चलो गलियाँ बिल्कुल, जो हरिजन भाई हैं और जो ब्राह्मण हैं उनकी गलियाँ बिल्कुल गंदगी से भरे पड़े और मच्छर काफ़ी हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हो आप, कोई भी विकास कार्य नहीं, कोई भी गांव में स्टेडियम नहीं है। और ये जो बात बोल रहे हैं कि गांव में ज़मीन नहीं है, 6 एकड़ ज़मीन नहीं है, पंचायती ज़मीन कम से कम 150 या 200 किले हैं, 200 जहाँ 150-200 एकड़ ज़मीन है पंचायती, तो वहाँ 6 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं मिलेगी? तो ये सवाल है, ये तमाम सवाल है। अच्छा, आपने प्लानिंग क्या कर रखी है इस पूरे मुद्दे पर? अगर आपने सोच रखा है कि आप जब आएंगे पार्षद चुनेंगे, एक मिनट में मैं बात कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा, कि जब आपने सोच रखा है कि पार्षद बनेंगे तो आप कुछ विकास करेंगे, तो कैसे फंड कैसे निकलवाएंगे, कुछ सोच के रखा है आपने? देखिए अभी बात विकास की, पिछले 5 साल में सरपंच रहा हूँ, अभी हमारा 8 में 25-8 को सरकार हमारा टर्म पूरी हो गई है। रही बात विकास की, हमने पीछे 5 साल से सीखा है समाज सेवा किस भाव से की जाती है, कैसे की जाती है, विकास गांव का किस तरह किया जाता है, भाईचारा किस तरह इकट्ठा किया जाता है, कोई भी कमेटी बना करके सभी गांव की सलाह लेकर के भाई ये काम इस तरह हो जाता है, उसको हम सरकार को पेश करें, भाई हमारे गांव का इस तरह खाका तैयार करें, उसमें कुछ सरकार की सलाह हो जाती है। ज़्यादातर जनता ये कहती है कि एक बार चुनने के बाद जितने भी लोग हैं वो सब गायब हो जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो मलाई चाटने वाले चाहे वो सरपंच है, एमएलए है, पार्षद है, कोई भी है, कहीं तक ले जाओ, वो जनता के बीच में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूं जनता के बीच में बैठ करके कोई भी गांव का काम है, कोई भी विकास की बात है, चाहे वो सरकार की बात है, चाहे भाईचारे की बात है, बैठ करके मिल बैठ करके विकास करो,
भाइयों को आगे, भाईचारे को आगे बढ़ाओ, तभी विकास, गांव का विकास होता है। ठीक है, जनता को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि जनता यहां पर जागरूक हो चुकी है जैसे कि बताए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई लोग हैं जैसे कि बता रहे थे पूर्व सरपंच, शराब के नशे में अपना वोट कहीं और दे देते हैं या फिर थोड़ा सा बहक जाते हैं। ठीक है, वो जागरूकता लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए और जनता को कितना जागरूक होना चाहिए ये बताइए। लोगों की ऐसा है दीक्षित जी, लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि आपका क्या राइट है और आप अपने राइट को, जो शराब होती है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो माइंड को अनकॉन्शियस कर देती है, कॉन्शियसनेस नहीं रहती उसके अंदर, और अनकॉन्शियस माइंड का व्यक्ति कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाएगा। और सरपंच साहब ने कहा कि नए शराबी पैदा होंगे, आज मैं शराब पिला रहा हूँ, 3 महीने के बाद कौन शराब पिलाएगा। अब किसी के घर में शराबी पैदा करना बहुत बुरी बात है, उसके लिए जगह जगह पे काउंसलिंग करनी चाहिए, हम लोग राइट बताने चाहिए कि ये अच्छी चीज़ है और ये बुरी चीज़ है, उसके लिए जागरूकता करनी चाहिए और अपनी तरफ से हमने प्रयास करना चाहिए कि हम इस गंदगी से दूर रहें और इसको ना पिलाएं। जीत हो या हार हो ये लोगों पे डिपेंड है। जनता की उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है? पूरा मेहनत करेंगे, अपने ऊपर तक पहुँचाएंगे। ठीक है, और यही मैं अगर आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि प्रशासन और जनता के बीच में जितने भी काम होंगे उनका एक सूत्र पिरोने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? भाई, जो जनता की भी राय ली जाएगी और जनता की आवाज़ को ऊपर तक ले जाया जाएगा और जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने सरपंच में क्या खूबियाँ देखते हैं, कैसा होना चाहिए आपका सरपंच? सरपंच होना चाहिए सामाजिक ढंग का होना चाहिए और भाई सबकी भलाई चाहे, मतलब वोट गेरो ना जो गेरो, एक समान देखना चाहिए उसने बने पास है, सब मतलब बराबर के होने चाहिए सारा गांव, मतलब उसने न्यू समझा भाई सरपंच बने और गांव के विकास भी हुए और बढ़िया सरपंच बने। आप क्या सोचते हैं, युवाओं से पूछना चाहूँ कैसा होना चाहिए सरपंच? सरपंच जो सबको साथ लेकर चले, सबका विकास करे, और युवा वर्ग को भी देखे और सामाजिक कार्यों को भी देखे, गांव का विकास पूरी तरह से करे, हम ऐसा सरपंच चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा सरपंच शिक्षित होना चाहिए और गांव की जनता से ये पूछे कि बताओ मेरे को कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं। आप युवा हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई, लेकिन युवा क्यों नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जो अधिकार हैं वो क्या हैं? नहीं जागरूक हैं, जागरूक क्यों नहीं है? फिर भी शराबखोरी काफ़ी बढ़ती जा रही है गाँव में जी। वोटा हमारे शराब पैदे हैं, वोटा हमारे अगवा वोट मिल जाएंगी और यह पास नतीजा गलत लिखड़े है यू। यही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं जागरूक हो पा रही आम जनता युवा? वैसे ज़्यादातर जनता तो जागरूक है, कुछ एक शरारती तत्व तो जो शराब पीते हैं वो वोटों के लिए उनको पिला देते हैं उनको। चलिए ठीक है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए। हाँ जी, कि ये सारी चीज़ें जो निकलकर सामने आई हैं, एक जगह नहीं दो जगह नहीं, जागरूकता की भी कमी नज़र आ रही है, आम जनता भी अगर जागरूक होती तो उनके काम अच्छे तरीके से हो गए होते। ठीक है, शराबखोरी भी बढ़ती जा रही है, तमाम समस्याएँ बनी हुई हैं, क्या मन में सोचकर चल रहे हैं आप? जी शराब का तो ऐसा जी कोई एक गाँव या एक स्टेट में तो बंद हो नहीं सकती, सरकार अगर ऊपर से बंद करे तो पूरे देश की तो बंद हो जाएगी, तो को आप ना पियो जी। बात रही मेरे पास खुद मेरे गांव का शराब का ठेकार, मैं सरपंच खड़ा हो रहा हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती घर तो पिलाने जाता नहीं। बात रही भाई शराब पीने की, 1 करोड़ रुपया मैं हर साल में सरकार को टैक्स देता हूँ, एक मेरे गाँव में जितने सरकारी नौकरी करते हैं सभी तनख्वाह मेरे शराब के ठेके से जाती है। जो टैक्स देता है शराब, सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा शराब से मिल रहा है सरकार, इसलिए इसको बंद नहीं, सरकार अगर इसको बंद कर देगी तो बिल्कुल कोई समस्या नहीं है शराब की, तो आप ना पियो लोग, सरकार इसको बंद नहीं करेगी। क्यों इसलिए बंद नहीं करेगी, सार सब महकमे जितने भी सरकारी महकमे दफ्तर हैं। आपने बताया आप खुद शराब के ठेकेदार हैं, आप सरपंच जी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या आपके गाँव में वोट खरीदने के लिए शराब का इस्तेमाल नहीं हो रहा? ना वो हर बार होता है जी, जो है मेरे भाई कह रहे थे, मैंने पहली बार शराब इनके इलेक्शन में पी थी, बोनी की शराब की बोतल थी जी। आपके गांव में अभी हो रहा है? अभी चल रहा है, जिला परिषद चल रहे हैं, अभी सरपंचों की नहीं चली है, अभी जिला परिषद बांट रहे हैं। सरपंचों की चलेगी तब आप क्या करेंगे? सरपंचों की चलेगी मैं तो शायद नहीं बांटूंगा, मेरे पिताजी मना करके चले गए थे, देहांत हो चुका उनका, ठीक हो खुद पीते थे बेटा इसको नहीं पीना ना बांटना, मैं तो इसलिए नहीं बांट रहा। यानी कुल मिलाकर अब एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है ठीक है, ये शराब ना तो किसी सरपंच ने बांट रहा, कोई जिला पार्षद ने बांट रहा, शराब चली ऊपर से। MLA के इलेक्शन होते हैं, पिछले अभी इलेक्शन हुए थे हमारे विधानसभा के, कई MLA की शराब चाहिए ट्रक के ट्रक मिले हैं, और किसी मुकदमा दर्द नहीं हुआ किसी के पास, हमारे मैम में शराब मिली थी, शराब तो वहाँ से चलती है, ये गरीब लोग कहाँ से शराब देते हैं? ये शराब नहीं बांटते बिल्कुल, पीने वाला तो पीता ठेके से ले आएगा,
शराब कोई नहीं पिलाता। किसी सरपंच के पास आते हैं, भाई मेरे को शराब दे दे, सरपंच मना कर देता है, शराब नहीं है कहीं भी। ये छोटी मोटी बातें पीने वाले पीते रहेंगे, ये सरकार की बात है। रही बात शराब की बिक्री की, देखो सरकार को आमदनी होती है, बोतल पर लिखा हुआ है भाई शराब हानिकारक है, ज़्यादा इसका सेवन हानिकारक है, क्यों पीते हैं लोग, जागरूक नहीं है लोग। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर एक जागरूकता की बात आती है, और अगर ग्रामीण यहाँ पर जागरूक हो जाएं तो निश्चित तौर पर उनके गांव का भी विकास हो और शराब की लत से वो दूर भी हो सकते हैं। सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, तमाम जगह की समस्या बनी हुई है कि हर बार चाहे सांसद के चुनाव, विधायकी के चुनाव, पंचायत के चुनाव, हर जगह शराब की वजह से वोट खरीद लिए जाते हैं। लेकिन सब कि कैसे इन चीज़ों पर लगाम लगाई जाए और आगे क्या नीति में बदलाव होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।